यूजर्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन विद अपडेट्स। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में 8% की बढ़ोतरी होती है पिछले 30 दिनों में, जबकि इंडस्ट्रीज बैंक्रप्सी की तरफ जा रही हैं। फ्लोकॉन सस्पेंड करता है अपनी टोकन रोल आउट को बिकॉज ऑफ सिटी मार्केट इनस्टेबिलिटी। मैसिव नंबर ऑफ फेल इथेरियम वापसी करते हैं मार्केट में 15% प्राइस इंक्रीज के बाद। तो बात करते हैं न्यूज के बारे में। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बैंक्रप्सी की तरफ जा रही हैं। अगर देखा जाए तो 17 जून को टोटल ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन $906 बिलियन के करीब था, जो कि विद इन अ मंथ $977 बिलियन के करीब पहुंच गया। और एज पर द डेटा ये करीब 7.83% ग्रोथ किया है। एंड गेन्स की अगर बात करें, मेजर क्रिप्टो फर्म जो इंस्ट्रक्ट की गई थी ऑपरेशन से, वो उन्होंने अपनी बैंक्रप्सी दिखाई है, उसके बावजूद जिसे मार्केट में क्रैश आया था उसके विद इन अ मंथ इस तरह का गेन देखा गया है क्रिप्टो मार्केट में। और बिटकॉइन की अगर बात करें तो वो अपने आप को पिछले 30 दिनों से $20,000 के करीब अपने आप को स्ट्रगल करके बनाए रखने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। एंड इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो भी अब धीरे धीरे बिटकॉइन को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये 30,000 के लेवल तक पहुंच जाए। और अगर फोकस करें मार्केट के बॉटम में, तो वो भी अनदर रैली का वेट कर रहा है। बात करते हैं फ्लोकॉन के टोकन रोल आउट की, जो कि उन्होंने डिले कर दिया है। इस टोकन का लॉन्च होना था, जो कि कार्बन क्रेडिट टोकनाइज फर्म है, जिसे डिले कर दिया गया। फ्लोकॉन अलाउ करता है टोकन को बर्न करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स जब रिटायर किए जाते हैं। उनके एसोसिएशन और किमर डाओ की तरफ से जो न्यू ऑपरेशन है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। एंड कंपनी की तरफ से कहना ये है कि कार्बन क्रेडिट्स जो कि ब्लॉकचेन का वेट कर रही थी क्रिप्टो मार्केट के स्टेबलाइज होने का, उनकी तरफ से इशू किए जाने वाले टोकन पे अभी रोक लगा दी गई है। वो अभी मार्केट के स्टेबल होने का वेट करेंगे। एंड इनको इशू करने के लिए ब्रोकर और परचेज डायरेक्टली प्रोजेक्ट डेवलपर्स प्लान करेंगे। क्लिमर डाओ की तरफ से भी अगर देखा जाए तो टोकन को लेके जो क्रेडिट्स हैं उसको सेलिंग के लिए बात की जा रही है। सो नया टोकन जो लॉन्च होगा उसे पोस्टपोन कर दिया गया है मार्केट की इंस्टेबिलिटी को देखते हुए। तो आने वाले टाइम में ये टोकन कब लॉन्च किया जाएगा ये कंपनी अनाउंस करेगी। अगर देखा जाए मार्केट कंडीशन को तो इथेरियम में अगेन वापसी की है वेल्स ने, जब से इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। अभी पिछले किन दिनों इथेरियम मर्ज नेटवर्क के बारे में अनाउंसमेंट आई थी कि बहुत इवन इसकी डेट को लेके कंफर्म किया था डैप्स ने कि मर्जर सितंबर में किया जा सकता है। इसके बाद इथेरियम के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके बाद कहीं ना कहीं इनके जो इथेरियम वेल थी उनमें भी गेन देखने को मिला। एंड अगर देखा जाए तो इथेरियम वेल एड्रेस जो है वो अपना 30% गेन करता है विद इन अ मंथ, और करीब 130 नए वॉलेट नेटवर्क पे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ रिकवरी अगर देखा जाए एसेट मार्केट में, तो वो भी एक तरह से इथेरियम और अदर क्रिप्टो करेंसीज में बढ़ोतरी को दिखाती है। इथेरियम सक्सेसफुली अपने लोकल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है। इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस लेवल उसने बनाया हुआ है। एंड अभी देखा जाए जो करंट सिनेरियो इस हिसाब से 50 डेज मूविंग एवरेज पे इनके रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इथेरियम में अब नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है। अभी तो जो परफॉर्मेंस है जो वीकेंड में देखी गई वो काफी अच्छी है, साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम और लिक्विडिटी भी देखी गई है। So that's all for today. Thanks for watching us. Do like the video. Thank you.